Click on the bell icon to watch our latest videos. तो हमने और जीव के बारे में सुना है जिनका नाम है यक्ष जी जी तो यक्ष राक्षस और असुर ये सब एक हैं कि ये अलग हैं हाँ तो अगर आप कॉमिक्स में देखो तो सबको काले काले रंग दे देते हैं तो असुर वो हैं जो देवताओं के साथ लड़ाई करते हैं Okay. और देवता स्वर्ग में हैं मतलब स्काई की तरफ हैं आकाश की तरफ हैं और असुर जो हैं वो भूमि के नीचे पाताल में रहते हैं सो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है राक्षस मनुष्य के साथ लड़ाई करते हैं सो राम और रावण का जो लड़ाई रावण राक्षसों का राजा था और राम मनुष्य का राजा था सो वो अर्थ के ऊपर भूलोक के ऊपर होता है और राक्षस हमेशा जंगल में पाए जाते हैं तो उनका दे आर एसोसिएटेड विद बीइंग लाइक बारबेरियंस अगर हम बोलें और कहते हैं कि जो जैसे रामायण में हमेशा कहेंगे कि कुबेर और रावण भाई भाई थे तो कुबेर यक्षों का राजा था और रावण राक्षसों का राजा था और दोनों को वैश्रवण कहते हैं बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ वैश्रव जैसे मैंने कहा था कि ब्रह्मा के कई पुत्र थे और उन पुत्रों की कई पत्नियां थी जिनमें से अलग अलग जीव जंतु निकले थे वैसे ही कहते हैं कि एक जैसे कश्यप मुनि एक थे एक वैश्रव नाम का कोई था उनकी दो पत्नियां थी एक पत्नी से राक्षसों का जन्म हुआ दूसरी पत्नी से यक्षों का जन्म हुआ और जैसे देवासुर हमेशा लड़ाई करते हैं जैसे नाग और गरुड़ हमेशा लड़ाई करते हैं यक्ष और राक्षस हमेशा लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि सब जो धन यक्षों ने क्रिएट किया था उन्होंने क्रिएट किया था उन्होंने लंका की निर्माण की थी और फिर राक्षस आके उसके ऊपर कब्जा कर दिया और उन्हें साउथ से नॉर्थ भेज दिया तो दक्षिण के तरफ लंका होता है और उत्तर के तरफ अलंका या अलका होता है तो जहाँ कैलाश पर्वत होता है वहाँ यक्ष का वास होता है और दक्षिण के तरफ वहाँ पे राक्षस का वास होता है तो ये शायद इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है ये सेक्रेट ज्योग्राफी के बारे में सेक्रेट जो भूगोल होता है पौराणिक भूगोल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए कि हमेशा एक फोर्स का काउंटर फोर्स होता है आई थिंक दिस इज़ वन थीम जो हम पुराणों में बहुत देखते हैं कि हर फोर्स का एक काउंटर फोर्स होता है देवों का एक काउंटर फोर्स होता है असुर गरुड़ों का एक काउंटर फोर्स होता है नाग राक्षसों का एक काउंटर फोर्स होता है यक्ष तो ये कॉन्सेप्ट यू नो इज ऑफ टेंशन ताकि इससे बैलेंस आए एंड आई थिंक द लार्जर कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा इनके बीच में अगर रस्साकसी हो तो फिर वायलेंस होगा लेकिन अगर मंथन हो तो कोऑपरेशन होगा कोलैबोरेशन होगा जिससे प्रोडक्टिविटी बनेगी आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप